नमस्कार। इंद्रधनुष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि कई बार हम इंसान को पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि आज चारों तरफ कलयुग का बोलबाला है, तमो प्रधानता है, और कब किस व्यक्ति के कोई लोभ, कोई मोह, कोई क्रोध रूपी चीज सामने आ जाए, ऐसे में क्या करें? कैसे हम लोगों को पहचाने? कई बार जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो डब्बे को टेढ़ा करना पड़ता है। मुझे एक घटना याद आ रही। एक व्यक्ति की डेथ हुई, घर में मातम मनाया जा रहा था, सभी बच्चे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे, रो धो रहे थे, सारा उनके अंत्येष्टि का सामान तैयार हो गया, बांध बूंद दिया गया, हार फूल चढ़ा दिए गए और राम राम सत्य है, राम राम सत्य है बोलते लोग ले गए। बहुत बुरी तरह से घर की औरतें रो रही थी, चिल्ला रही थी। होता है जब कोई व्यक्ति अपना छोड़ के जाता है तो। जाते जाते कुछ दूर जाने के बाद उस भीड़ में वो जो लेके जा रहे थे शमशान की ओर, तो एक आदमी बीच में खड़ा हो गया। उसने कहा, रुकिए, आप इसे शमशान तक नहीं ले जा सकते। लोगों ने पूछा, भाई क्यों? कहा, इसने मेरे 15 लाख रुपए लिए थे और मुझे वो 15 लाख रुपए वापस चाहिए। जब तक मेरे 15 लाख रुपए नहीं मिल जाते, मैं आपको इन्हें इनकी अंत्येष्टि नहीं करने दूंगा। बेटों से कहा, भाई क्या करना है? तुम्हारे पिताजी ने 15 लाख रुपए कर्ज लिए थे। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। कहा, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, हमारे पिताजी ने हमें कुछ बोला भी नहीं, बताया भी नहीं कि कभी कोई 15 लाख रुपए लिए थे, हम जवाबदार नहीं उसके। उसके बाद उस व्यक्ति के भाई से पूछा गया कि भाई आप कुछ करो, क्योंकि वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। भाइयों ने कहा, जब उसके बेटे ही कह रहे कि हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता, तो हमारा क्या लेना देना, हम तो दूसरे घर में रहते थे, हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते, हम नहीं दे सकते, हमारे पास कोई पैसा नहीं। वो व्यक्ति अड़ा रहा और बातें बढ़ते 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 घर तक पहुंच गई और घर में स्त्रियों को पता चला कि उसके पिताजी ने किसी से, उसकी बेटी को पता चला कि उसके पिताजी ने किसी से 15 लाख रुपए कर्जा लिए थे और वो कह रहा है कि मैं तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा जब तक मेरे 15 लाख रुपए नहीं दे दिए जाते। वैसी बच्ची बहुत दुखी थी और पिता का अंतिम संस्कार ना हो, बहुत विचार करने लगे। जितने शरीर पे गहने थे, सारे गहने और जो कुछ उसके पास महंगी वस्तु थी, वो सब उसने उस व्यक्ति के पास भिजवा दी और कहा कि ये उनको कहना कि ये बेच दें और इससे जो पैसे बने वो रख लें और बाकी जितना बचता है उतना मैं धीरे धीरे आपको आपके पूरे 15 लाख कमा के कर दूंगी। मेरे पिताजी कर्जदार होकर नहीं मरेंगे, लेकिन अभी उनका कृपया अंतिम संस्कार होने दो। और उस व्यक्ति ने वो सारे गहने और वो जो पोटली में और सामान कीमती था वो देखा, उसी समय उसने कहा, बात उल्टी है। सब लोग बोले, क्या मतलब? का बात ये है कि इस व्यक्ति ने जो मरा, उसने मेरे से 15 लाख नहीं लिए थे, मुझे 15 लाख इसे देना था, लेकिन मैं कैसे पता करता कि इसका असली हकदार कौन है? इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि पहले मेरे 15 लाख दो। बेटे ने तो हाथ खड़ा कर दिया, भाइयों ने तो हाथ खड़ा कर दिया, हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता, किसी ने भी नहीं कहा,
कोई भी नहीं कहा कि हम देखेंगे, हम कर देंगे। तो अब मुझे पता चल गया कि उनके जो 15 लाख थे उसकी हकदार उनकी बेटी है, और उसने जाके उस बच्ची के हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ़ करना, मैं सत्य का पता करना चाहता था, और सत्य मुझे पता चल गया, ये लीजिए 15 लाख रुपए, आप इसकी हकदार है, और आपके पिताजी से मैंने लिए थे, वो मैं वापस देने आया। तो ज़िंदगी में कई बार हम बेटियों को बोझ समझ लेते हैं, कई बार हम बेटियों को कहते पराया धन है, कई बार कहते हैं इसको तो पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा, आखिर चूल्हा ही तो फूकना है, रोटी ही तो थूकना है। ऐसी गलती नहीं करें। कई बार बेटियां बेटों से ज़्यादा अच्छा फर्ज निभाती हैं। मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ, कई बेटों की भी मैंने कहानियां आपको पहले सुनाई हैं कि जिन्होंने अपनी माँ के लिए क्या क्या किया। आप अगर मेरा प्रोग्राम रेगुलर सुनते हैं तो जानते होंगे, लेकिन आज मुझे ये बात याद आ गई कि कई बार जीवन में व्यक्ति को परखने की हमारे में जब क्षमता नहीं होती है तो थोड़ा सा ऐसे युक्ति युक्त चलना पड़ता है, और तब जब आड़े वक्त पे इंसान होता है, जब कोई दुविधा में होता है, संकट में होता है, विपत्ति में घिरा होता है, तब पता चलता है आपका अपना कौन है। जैसे इतने सारे रिश्तेदारों में वो बेटी ही खड़ी हुई। कहने का तात्पर्य, आप भी आसपास के लोगों को पहचाने। आज दिखावे वाले बहुत हैं लेकिन अंदर से साथ देने वाले कम हैं। इसीलिए किसी ने कहा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वो पारखी दृष्टि, वो दृष्टि जिससे कि हम सामने वाले की वाइब्रेशन को समझ लें, सामने वाला सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसके लिए हमें आंतरिक शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। और आंतरिक शक्तियां जागृत तब होती हैं जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को आत्मा समझ के परमपिता परमात्मा को याद करते हैं कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, वो परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, और जब उसके साथ हमारा तारतम्य जुड़ जाता है तो उस परमात्मा की शक्ति हमें हर परिस्थिति में कोई ना कोई हल निकाल के जरूरी देती है। तो आशा है आप भी अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करके, औरों को पहचान के, और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। इसी के साथ बस इतना ही। नमस्ते, ओम शांति।